स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एमएस वर्ड 2007 और एमएस को क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। ये एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मींस पर्टिकुलर किसी काम के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर। तो आज हम जानेंगे कि इस एमएस वर्ड 2007 से हम क्या क्या कर सकते हैं और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एमएस वर्ड है कैसा सॉफ्टवेयर। तो एमएस वर्ड एक तरह का टाइपिंग सॉफ्टवेयर है और ये एक पार्ट है एमएस ऑफिस सूट पैकेज का, जो डेवलप किया गया है किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक है, जनरली वर्ड से रिलेटेड जो भी काम करना हो, जैसे आपको लेटर लिखना हो, रिपोर्ट्स बनाने हो, चार्ट्स बनाने हो, ठीक है, उससे रिलेटेड वर्ड से रिलेटेड जितने भी अदर एक्टिविटी कर सकते हैं हम या बना सकते हैं, सारे काम किस में कर सकते हैं, एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड का फीचर्स दिया हुआ है, देखो क्या क्या खास फीचर्स है। आप इसमें राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो, आप इसमें किसी भी टेक्स्ट का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो, आप टेक्स्ट के साइज को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो, आप इसमें टेक्स्ट के साइज को छोटा बड़ा के साथ साथ कलर भी कर सकते हो, अलग अलग कलर में लिख सकते हो। और सबसे अच्छी और ख़ास बात इसमें क्या है कि एमएस वर्ड में आपका ऑटोमेटिक स्पेलिंग और ग्रामर चेक होते रहता है। और इस एमएस वर्ड में आप चार्ट, पिक्चर या कुछ भी टेबल आराम से इंसर्ट कर सकते हो। तब हम जानते हैं कि इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे इजीएस्ट प्रोसेस में बताया गया है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है एमएस वर्ड 2007 को। तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए। अगर वो इंस्टॉल नहीं होगा तो आप उसे ना ओपन कर पाओगे, ना ही उस पर वर्क कर पाओगे। तो अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो देखिए इस तरह का डॉक्यूमेंट का आइकन आपके डेस्कटॉप पे दिखेगा। डेस्कटॉप किसे कहते हैं, जहाँ छोटे छोटे पिक्चर साइज के इमेज का आइकन बना रहता है उसे कहते हैं डेस्कटॉप। तो आपका एमएस वर्ड का आइकन इस तरह का पिक्चर साइज का है, देखिए टेक्स्ट बुक का जैसा लिख बना हुआ आइकन, उसे कहते हैं एमएस वर्ड ऑफिस। तो स्टार्ट करने का प्रोसीजर है, पहला स्टेप है कि स्टार्ट बटन पे जाइए, जो आपके लेफ्ट साइड के बॉटम पार्ट में स्टार्ट करके टास्क बार के नीचे लिखा रहता है, उसे आप प्रेस करेंगे तो आपका सेट्स ऑफ प्रोग्राम खुलेगा। उस प्रोग्राम में आपको ऑल प्रोग्राम में जाना है, ऑल प्रोग्राम में आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। फिर जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 वर्ड पे क्लिक करेंगे, इस तरह का आपका एक विंडो ओपन होगा। देखिए ये जो विंडो ओपन हुआ है इसी को बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। अब हम जानेंगे इस ऑफिस में क्या क्या खास चीज़ है, ठीक है, इस एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या क्या चीज़ हमें लर्न करना है। सबसे पहली बात कि हर एप्लीकेशन प्रोग्राम का कुछ फीचर्स होते हैं, उस फीचर्स को हमें जानना होता है। अगर आप उस फीचर्स को नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो आप अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे अपने डे टू डे एक्टिविटी के लिए या कोई टास्क के लिए। तो जानते हैं एमएस वर्ड ऑफिस में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जब ये एप्लीकेशन खुलेगा तो इस तरह का आपको कंप्यूटर पे दिखेगा। ध्यान दीजिए जो टॉप पार्ट है, टॉप पार्ट जहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वन, ये इस चीज़ को क्या कहते हैं, टाइटल बार। टाइटल बार मीन्स आप जो भी नाम देंगे उस डॉक्यूमेंट को, वो नाम इस पे शो करेगा। अब आप देखिए लेफ्ट साइड पे एक विंडो टाइप का आइकन बना हुआ है जिसे लिखा गया है इस पे ऑफिस बटन। अब इस ऑफिस बटन का क्या यूज है, इस ऑफिस बटन पे आप क्लिक करोगे तो वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्शन आपको मिलेगा कि अगर आप पहले से कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हैं या सेव करना है तो इस पे आप सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स कहाँ पे मिलेगा आपको, ऑफिस बटन के अंदर मिलेगा। या प्रिंट करना और प्रीव्यू करना, ये भी सारे ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, ऑफिस बटन के अंदर। अब जो टाइटल बार है उसके नीचे जो आपको अलग अलग टाइप के नेमिंग्स दिख रहे हैं, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये जो आपको टेबल टाइप का बना हुआ है रेक्टेंगुलर टेबल से कलर किया हुआ है, इसको बोलते हैं टैब्स। इस टैब्स में अलग अलग नाम आप जो दिख रहा है, ठीक है, उस हर टैब्स का अलग अलग फंक्शन है जो आपको नीचे में शो करता है। इसको, इस पूरे फंक्शन को बोलते हैं रिबन बटन। मतलब उस टैब्स से रिलेटेड जितने भी अलग अलग काम हम कर सकते हैं वो सारा चीज़ किस में डिफाइंड होता है, रिबन बटन के अंदर। जस्ट नीचे में जो आप देख रहे हो रेड कलर से पेस्ट का, ठीक है, बोल्ड का, साइज करने का, अंडरलाइन का, क्विक स्टाइल, ये सब जो भी चीज़ लेटर लिखा हुआ है, ये हर टैब का अलग अलग फंक्शन बताता है, ठीक है। तो तीन चीज़ आपने जाना क्या क्या, पहला ऑफिस बटन, टैब्स, टाइटल बार और रिबन बटन। रिबन बटन में मैक्सिमम फंक्शन डिफाइंड होते हैं,
टैब्स के अंदर मेन मेन फंक्शन का हेडिंग होता है, और राइट साइड में आप देखेंगे तो मिनिमाइज बटन, रिस्टोर बटन और क्लोज बटन दिया है। मिनिमाइज का मतलब आप उस पर जैसे प्रेस करोगे एप्लीकेशन मिनिमाइज हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा। रिस्टोर बटन का मतलब जब उस पर आप दोबारा से क्लिक करोगे तो वो छोटे विंडो में ओपन होगा, और क्लोज बटन का मतलब एप्लीकेशन क्लोज करना हुआ। अब उसके नीचे आप देखोगे तो रूलर दिया हुआ है, रूलर मतलब स्केल। आप अपने पेज को सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। आपको पता है अलग अलग तरह के पेज आते हैं, तो हर पेज के लिए अलग अलग रूलर आपको सेट करना पड़ता है, ताकि आप जब भी प्रिंट करें तो आपका प्रिंटिंग प्रॉपर वे में हो, इसलिए हम रूलर यूज़ करते हैं। दूसरा रूलर हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए। टेक्स्ट को कभी हम लेफ्ट साइड राइट साइड करके लिखते हैं, कभी सेंट्रल में लिखते हैं, तो उसके लिए भी हम रूलर यूज़ करते हैं। सेकेंड जो आपका है जो ब्लिंक करता है उसको बोलते हैं कर्सर, और जो वाइट स्पेस दिख रहा है इस पर इसको कहते हैं वर्किंग एरिया, ठीक है। राइट साइड में जो आपको दिख रहा है स्क्रोलर बार जिसे कहते हैं, उसकी हेल्प से आप पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। और सबसे नीचे में आपको स्टेटस बार दिखेगा, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आपने कितने वर्ड टाइप किए। तो ये सारा जो फंक्शन है, फीचर्स है एप्लीकेशन प्रोग्राम का, वो आपको इसमें बताया गया है। अब हम एक एक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, एमएस वर्ड का क्या क्या होता है, कैसे काम करता है, और इस किस बटन को प्रेस करने से क्या काम करता है, ठीक है गाइस। अब सबसे खास बात क्या है एमएस वर्ड 2007 में, एमएस वर्ड 2000 में आपको अलग अलग मेन्यू मिलते हैं, सब मेन्यू मिलते हैं, टूल बार मिलते हैं, जो आपके काम को ईजी बनाता है। तो सबसे जो फर्स्ट चीज़ हम जानेंगे वो है टाइटल बार। टाइटल बार का काम क्या होता है, डॉक्यूमेंट का नाम देना, ताकि आप फाइल मैनेजमेंट बना सके और उस डॉक्यूमेंट फाइल को आसानी से खोज सके। इसीलिए हम टाइटल बार में उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड नाम शो करते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को नेम के द्वारा सेव कर सकते हैं। जैसे इस फिगर में आपने डॉक्यूमेंट का नाम दिया है डॉक्यूमेंट वन, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, रिजल्ट, पेज, कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट जो है टैब। टैब में क्या होता है, अलग अलग एप्लीकेशन के फंक्शन डिफाइंड होते हैं, जैसे होम हो गया, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, और इन सब का जो फंक्शन होता है वो किसके अंदर डिफाइंड होता है, रिबन बटन में। रिबन बटन में आप देख सकते हैं अलग अलग फंक्शन है, आप टेक्स्ट के साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टाइल में लिख सकते हैं, टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, बोल्ड बना सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ डिफाइंड किसमें रहता है, रिबन बटन में। रूलर आपको प्रोवाइड करता है दो चीज़, वर्टिकल रूलर और हॉरिजॉन्टल रूलर। इससे आप पेज सेटअप कर सकते हैं, टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, ये भी आप रूलर की हेल्प से कर सकते हैं। स्क्रोल बार अभी बताया था, स्टेटस बार अभी बताया था, वर्किंग एरिया जहाँ आप काम करते हैं, कर्सर मतलब जहाँ से आपका काम स्टार्ट होगा, मतलब जब आप उस पर कोई चीज़ टाइप करेंगे तो वहाँ से आपका वर्ड टाइपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर किसी डॉक्यूमेंट को आपको सेव करना हो, जब आप कोई चीज़ टाइप कर लिए तो सेव कैसे करेंगे, ऑफिस बटन पर जाएंगे जो आपके लेफ्ट टॉप कॉर्नर पोजिशन पर रहता है, वहाँ पर आप क्लिक करोगे, वहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा, सेव पर आप क्लिक करोगे तो पूछेगा कि आप उस फाइल का नाम क्या देना चाहते हो, नाम आप कुछ भी दोगे, और जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करोगे पिक्चर में दिखा रहा है तो आपका फाइल सेव हो जाएगा। अब आप जब भी ये फाइल सेव होगा तो इसमें एक्सटेंशन लगेगा .docx, इसका मतलब ये फाइल कैसा है, डॉक्यूमेंट फाइल है, तो डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन हमेशा .docx के नाम से सेव होता है। हर फाइल का नेम होता है, ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आपको ये जानना है कि डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .docx। अब नेक्स्ट जो है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट क्लोज करना है तो कैसे क्लोज करेंगे, आपको फिर से ऑफिस बटन में क्लिक करना होगा, और नीचे देखिए क्लोज का ऑप्शन है, क्लोज के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको पहले से कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना हो जो आप पहले से बना के रखे हो, तो कैसे ओपन करेंगे, ओपन करने का भी सेम प्रोसीजर, पहले आप ऑफिस बटन पर जाएंगे और फिर वहाँ पर ओपन का आप फोल्डर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, उस पर आपको वेरियस फाइल्स दिखेंगे जो भी आपने बनाया है, आप डिजायर्ड फाइल सेलेक्ट करेंगे, फिर ओपन बटन प्रेस करते ही आपका फाइल ओपन हो जाएगा। अब ये तो हम जान गए फाइल ओपन करना, क्लोज करना, अगर हमको फाइल क्रिएट करना है जिसमें हमको नया काम शुरू करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी सबसे पहले हम ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे। आप लेफ्ट साइड में टॉप पोजिशन पर देखिए न्यू नाम से एक टू एप्लीकेशन दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करते ही आपका डॉक्यूमेंट नया अपीयर हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछेगा कि आपको कैसा डॉक्यूमेंट चाहिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए या अदर डॉक्यूमेंट, तो आप ब्लैंक पे क्रिएट करेंगे, और जैसे ही क्रिएट ऑप्शन प्रेस करेंगे आपका एमएस ऑफिस खुल जाएगा। तो इतना चीज़ के नॉलेज होने के बाद आप ये जो क्वेश्चन दिया है इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे।
क्योंकि ये सारी चीज़ मैंने आपको डिस्कस कर दिया। टाइटल बार क्या होता है? टाइटल बार में आप कोई भी डॉक्यूमेंट को नेम कर सकते हैं जिस नाम से आप अपना डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं, ठीक है। और टू टाइप्स के स्क्रॉल बार कौन कौन से होते हैं? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार। कर्सर क्या होता है? कर्सर पॉइंट करता है जहाँ से आपका राइटिंग स्टार्ट होगा। व्हाट आर द शॉर्टकट की ऑफ सेविंग डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट सेविंग करने का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एस है। और शॉर्टकट की फॉर क्लोजिंग डॉक्यूमेंट क्या है? कंट्रोल प्लस क्या होगा बताइए? मेरे ख्याल से अल्ट प्लस एक्स है या कंट्रोल प्लस एक्स है, बार देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पे हम पढ़ने जाएंगे कि इसमें हम टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करेंगे, साइज कैसे चेंज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।